जैसे कि आपको पता है कि 25 मई को हमारा पोल डे है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी तैयारी करनी है हो चुकी है। अभी कल से जो पोल पार्टीज है वो डिस्पैच भी होंगी। इसके रिगार्डिंग एक बहुत अहम जो एक मरहला होता है, 48 आवर्स यानी 48 घंटे बिफोर द एंड ऑफ पोल, उसके पहले ये कैंपेनिंग खत्म होती है, एक साइलेंस पीरियड रहता है। यानी 23 मई शाम 6 बजे के बाद नेक्स्ट 48 घंटों में किसी भी तरह की कैंपेनिंग अलाउड नहीं है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बाजाबता वाजा गाइडलाइंस है। तो आपके माध्यम थ्रू मैं आपके थ्रू सारे कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताना चाहता हूं कि 23 मई शाम 6 बजे से लेके कोई कैंपेनिंग अलाउड नहीं होगी, सारी अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसमें जो सारे कंसर्न डेप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, उन्होंने बाजाबता डिटेल गाइडलाइंस भी निकाली है रिलेवेंट प्रोविजंस के अंडर कि कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है और एक्सेप्शन क्या क्या है। इसमें जो एक कैंडिडेट्स के लिए खासकर एक हैंडबुक हमने दिया था नॉमिनेशन के टाइम, उस हैंडबुक में पेज नंबर 75 में बाजाबता तरीके से वजाहत की गई है कि क्या क्या फॉलो किया जाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे पूरी कैंपेन में काफी एक्सटेंडेड कैंपेन रही पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन एमसीसी जितना भी कहीं कहीं पे जो हमें लगा कुछ के हिसाब से उनको लॉजिकल कंक्लूजन लिया गया, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर मैं बोलूं कि कैंपेन बड़ी स्मूथ और बड़ी पीसफुल रही है, इसके लिए भी सारे कैंडिडेट्स और उनके सारे वर्कर्स मुबारकबाद के हकदार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 48 घंटे जो काफी क्रुशल होने वाले हैं, उसमें भी वो हमारी जो पूरी इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है अभी उसका पूरा सपोर्ट देंगे। हमारा उनके साथ पूरा राबता रहेगा और किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे हर एसी लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आरओ लेवल पे, जैसे आप देख रहे होंगे कि कंट्रोल रूम्स बने हैं, हम उनके साथ बाजाबता रबते में है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक फ्री फेयर और एक पीसफुल इलेक्शन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। इसके साथ साथ मेरी पूरी आवाम से, बिल्कुल खुसूस जिला अनंतनाग की आवाम से, वोटर्स से ये अपील है कि 25 को आप रजिस्टर्ड पोलिंग स्टेशन पे, जहां पे आपका नाम दर्ज है, वहां पे जाइए और अपना जो हक है उसको यूज कीजिए। हमारे आपको सबको पता है हमारे आईन में कुछ राइट्स है, कुछ हमारे हकूक है, लेकिन मुझे लगता है वोट डालना एक ऐसी चीज है जो हमारा हक भी और हमारी जिम्मेवारी भी है। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम वोटर्स का जो रुझान रहा है या जो बाकी अभी तक फेजेस में पूरी यूटी में हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जिला अनंतनाग में भी और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक रिकॉर्ड वोटिंग होगी। मेरी मीडिया के जो जितने भी हमारे साथी लोग हैं, भाई लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि मीडिया के लिए भी डिटेल गाइडलाइंस रहती है। हम पूरा साथ रहेंगे क्योंकि आप भी पोल डे के दिन स्पेशली आपको भी जानकारी चाहिए होती है, आपके थ्रू पब्लिक भी जानकारी लेती है, तो हम पूरा इसमें आपके साथ है। हमारा जो कंट्रोल रूम है, जो हमारी टीम्स लगी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक एक नोडल पर्सन मीडिया के लिए अपॉइंट हुआ है, आप उनके साथ रबते में रहिए। लेकिन बस मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी एसओपीज है, जो भी कमीशन की गाइडलाइंस है, उनका फॉलो हो, उनके तरीके से ही चलाई जाए ताकि हमारे लिए भी आसानी रहे और सबके लिए भी जो रियल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में आ जाए।